चलिए सर करें स्टार्ट जी। तो पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दी है, एक तरफ कॉपी ओपन कर लीजिए, पीडीएफ बाद में रीड करेंगे। ये समरी है, इसे डायरेक्ट आपको रीड कराया जाएगा। पेपर के लिए, न्यूमेरिकल के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी चीजें आपके लिए। तो पहले कॉपी ओपन कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर हमारा डन है, जैसे कि आप जानते हैं उसके अंदर हमने टैक्स लाइबिलिटी वगैरह, थोड़ा सा रिपीट करूंगा, हमने उसके अंदर पहले पढ़ा हेड्स ऑफ इनकम, आपको याद हो गया, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। देन हमने पढ़ा पर्सन की डेफिनेशन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, एजेपी, एलए। फिर हमने पढ़ा प्रीवियस ईयर, अबाउट द असेसमेंट ईयर, देन उसकी एक्सेप्शंस, पांच, शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर याद आ गया होगा, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर एसेट्स फॉर अवॉइडिंग टैक्स पर्पस, डिसकंटिन्यू बिजनेस, एओपी, बीओआई फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। देन हमने कवर किया स्लैब रेट्स फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, फॉर एज लेस देन 60, रेजिडेंट और नॉट, फिर एज 60 और मोर बट लेस देन 80, देन एज 80 और मोर, जिसको हमने क्या कहा था, सुपर सीनियर सिटीजन। फिर हमने पढ़ा रिबेट 87A, याद आ गया होगा, टैक्स पेबल और 12,500, विच एवर इज लोअर। देन हमने न्यू स्कीम के बारे में पढ़ा, 115BAC, क्या नाम है सेक्शन का, 115BAC। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अभी 3-4 लेक्चर हुए हैं कि हमने न्यू स्कीम का तो कुछ अभी देखा ही नहीं। रीजन, हमने अभी तक कोई चैप्टर स्टार्ट किया ही नहीं, रीजन दैट अभी बेसिक्स चल रहा है। ये चैप्टर भी 115BAC से कोई ज्यादा खास लिंक रखता नहीं। मेन 115BAC जो न्यू स्कीम आई है इस वर्ष सरकार की, बाय डिफॉल्ट स्कीम आई है, वो लिंक करती है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्स। मेनली इफेक्टेड था किसको, हेड्स ऑफ इनकम। बट मैंने जैसे आपको कहा था, इस मंथ हमारा बेसिक बेसिक क्राइटेरिया कवर हो जाएगा, लाइक दैट चैप्टर वन कवर हो गया। चैप्टर थ्री आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका न्यूमेरिकल है और 3-4 दिन इंटरेस्टिंग पार्ट भी चलने वाला है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल, थोड़ा सा थ्योरेटिकल, देन एग्रीकल्चर इनकम, तभी समझा सकता हूँ। देन फोर्थ चैप्टर मैंने कहा था इस मंथ का जो टारगेट है, इट्स अ एग्जम्प्ट इनकम, और इससे ज्यादा टारगेट है भी, बाकी थ्योरी होते हैं प्लस टू वाले, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह, वो दिक्कत नहीं। मेनली हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर आपको बताया था सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी। अब पॉइंट क्या था इसके अंदर, आप चैप्टर का नाम नोट करेंगे मेरे साथ साथ, जो मैं पूरा नाम अगर इसका बताऊं, पूरा नाम मेरे अकॉर्डिंग है जी, रेजिडेंशियल, ध्यान से लिखेंगे, स्टेटस एंड, दो पार्ट में चैप्टर को मैं कवर करूंगा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ, क्या नाम है, टोटल इनकम। तो आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं किसकी, रेजिडेंशियल स्टेटस को लेके, रेजिडेंशियल स्टेटस को लेके। हर पर्सन का अलग अलग स्टेटस है जी, लाइक दैट आपने कितने तरह के लोग पढ़े थे, 7, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, कितने तरह के पर्सन पढ़े थे जी, 7। तो यहां पे ध्यान से आप लोग सुन लेंगे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, सबने नाम सुने हुए हैं। नेक्स्ट मैं कहूं तो एओपी या बीओआई, एजेपी और लोकल अथॉरिटी, जिसको आप लोकल गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी वगैरह कहते हैं, क्लियर। अब मैं या आप लोग किसमें कवर होते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल, तो मैं ज्यादा बात उसकी करना चाहूंगा, पेपर में उसी का लॉ थोड़ा ज्यादा ही लेबोरेट है, और सरकार ने इसके ऊपर 2 साल पहले काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स भी करी, क्योंकि स्टेटस पढ़ना क्यों जरूरी है, आप ज्यादा समझदार हैं सर, इससे ही तो सारी बातें क्लियर होंगी कि आप देश के नागरिक हो भी या नहीं। अगर आप देश के नागरिक हो तो आप पे स्लैब रेट क्या लगेगा, आपको एज का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं आपको सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन कहूंगा या नहीं कहूंगा, मेनली। और सबसे बड़ा बेनिफिट याद आ गया होगा 87A, उसके लिए पहली कंडीशन क्या थी, इंडिविजुअल, ऊपर से क्या होना चाहिए, रेजिडेंट। तो रेजिडेंट तो बता दो, मेन होता क्या, मैं कह जी सुनो, अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं, हेडिंग दूंगा पहले टेबल पे कौन, इंडिविजुअल। तो दो एरो यहाँ पे मैं ड्रॉ करना चाहूंगा, इंडिविजुअल हमारे लिए या तो रेजिडेंट होगा, ध्यान से सुनेंगे फिर मैं पढ़ाऊंगा, या वो हर्ष क्या होगा, नॉन रेजिडेंट, इसको आप बोलते हो एनआर, क्या बोलते हो, एनआर, मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, एनआर या आर, रेजिडेंट या एनआर।
बच्चा कहता है हाँ जी सर, दो ही बातें होगी, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। बुक्स कहती हैं अगर रेजिडेंट होगा तो अगेन दो चॉइसेस आर देयर। वो क्या क्या वो ऑर्डिनरली, स्पेलिंग ध्यान से, ऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरली ध्यान से, क्या वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है? मैं क्या ओके हाँ जी वही है, जी वही है। अब इसको टाइम ही पढ़ाना है आपको, दिन काउंट करने हैं, क्या क्या वो रेजिडेंट बनेगा नहीं बनेगा, वही चीज है, ऑर्डिनरली रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो इसको मैं ज्यादातर एक्चुअल में बोलता हूं ओ आर, और नहीं ओ आर अलग से, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं एन ओ आर, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो ये तो है जी चार्ट पहली बात पे। और ऐसा ही डिटो चार्ट है एचईएफ का। किसका? एचईएफ का। तो बच्चा कहता है बस ये समझ लो फिर तो एचईएफ काफी क्लियर। बट फायदा ये है, आप कहेंगे सर फिर सातों लोगों का चेक करना पड़ता है, सेवन पीपल्स आर हियर। मैं कहूँ बाकियों का एक एक लाइन है, बाकी सबका ये तो ठीक है, फर्म एओपी बीओआई एजेपी सबके लिए सिंगल लाइन इज देयर, कंपनी के लिए दो लाइनें हार्डली। मेनली चार्ट बनता है किसका जी? इंडिविजुअल। एचईएफ भी काफी हद तक आसान है, जो इंडिविजुअल कर लिया तो एचईएफ तो वैसे ही खत्म है। अब बेसिक मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा इंडिविजुअल के पॉइंट, तो ध्यान से सुनिएगा, लिखा सब कुछ हुआ है तो समझ नहीं आता, डायरेक्ट पढ़ूंगा, पर मैं पहले बोल देता हूं फिर आपको शायद मेरी बात कैच हो जाए। तो मैंने पूछा पहले तो जी किसको जाके जल्दी बोलेंगे? इंडिविजुअल। हाँ जी, एक आम पर्सन जैसे आप बैठे हैं, आप पूछेंगे, इंडिविजुअल है आप लोग, कि सरकार को रेजिडेंट बनने के लिए आपकी क्या कंडीशंस हैं? क्या पूछेंगे? एज आ इंडिविजुअल, चलो हम तो बाय बर्थ या वैसे मोस्टली इंडिया ही रहते हैं, कभी फॉरेन जाते ही नहीं, 7-8 महीने, 6-6 महीने, कभी आए जाए फॉरेन आए जाए, तो हमारे केस में तो क्या ही चेक करेंगे आप। और ये स्टेटस हर साल चेक होगा, ये नहीं कि जितनी फिल्म इंडस्ट्री आपको पता है बड़े डॉक्टर्स हैं फॉरेन रहते हैं 8-8 महीने लगा देते हैं, 3-4 महीने इंडिया आते हैं, यहाँ पे भी लोग हैं, पंचकुला चंडीगढ़ में हैं, उनके बच्चे बाहर सेटल हैं तो रिटायर्ड हैं, पेंशन है, तो अपना यहाँ पे 7-8 महीने रेंट पे दे रखा, ऊपर फ्लोर नीचे बंद है, आप फॉरन बैठे हैं 7-8 महीने, 6-6 महीने, कभी कभार आ जाते हैं 2 महीने फिर चले जाते हैं, तो उनका सिस्टम ऐसे बना हुआ है, फिक्स्ड इनकम उनकी है। तो मैंने एज अ प्रूडेंट मैन ये पूछा कि मुझे ये तो बता दो रेजिडेंट बनने के लिए करना क्या है। कहते करना क्या है जी? सिंपल, दो कंडीशन है और इन दोनों के बीच में और है, और मतलब समझते, या मगर हार्ड होगी कंडीशन, तो ये कर दो या वो, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, ओपन चैलेंज देयर, देन मैं आपको देश का क्या मान लूंगा? नागरिक। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना कर पाए, दोनों में से कोई भी ना कर पाए, दो क्यों, दोनों में से कोई भी ना कर पाए, मैं आपको रेजिडेंट नहीं मान सकता, तो आपका क्वेश्चन तो वही बंद हो गया, आप मेरे लिए क्या बन जाएंगे? उसके आगे कोई पार्ट नहीं, इफ यू आर नॉन रेजिडेंट तो नॉन रेजिडेंट की बात करें। फिर नॉन रेजिडेंट के लिए ड्रॉबैक आप तैयार हो जाइए, क्या ड्रॉबैक? एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इवन दो यू आर इन इंडिया, आप 70 साल के हैं, आते जाते रहते हैं, पर आप नॉन रेजिडेंट, तो मैं आपको एज का बेनिफिट नहीं दूंगा, 87 रिबेट नहीं दूंगा, एंड और भी सो मेनी रीजन। तो बच्चा क्या कहता है, क्या ही वर्क है, 10-20 हज़ार का टैक्स का वर्क होएगा? नहीं, आपको मैंने एक फर्स्ट डे वर्ड बताया था, डिडक्शंस, वो रेजिडेंट को मिलती है, नॉन रेजिडेंट को मिलती नहीं। तो और भी कई तरह के ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिर्फ किसके लिए हैं? रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है, तभी हमें इतनी चर्चा करनी पड़ रही है, तभी हमारे सिलेबस का पार्ट है, और आप ही का नहीं बल्कि, आप ही का नहीं बल्कि सीए में भी डिटो सेम, इसके बिना तो चैप्टर नहीं चलता हमारा। और इस बेस पे अगर आपका स्टेटस डिटरमिन हो गया, फिर मैं आपका ध्यान लगाऊंगा किसके ऊपर? इनकम के ऊपर, टोटल इनकम। जैसे कुछ लोग पैसा इधर कमाते हैं, कुछ लोग फॉरन कमाते हैं, जैसे कहते हैं दिलजीत दोसांझ फॉरन गया, वह कंसर्ट लगा के आया, करोड़ों रुपए कमाए, क्या इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देगा? देगा, देगा क्यों नहीं देगा, इंडियन बिल्कुल देना पड़ेगा, कैसे मना कर देंगे? फॉरेन गवर्नमेंट को टैक्स देगा, उस पे भी पॉइंट होगा, उनके लॉ में देखना पड़ेगा क्या वो कवर होते हैं। जस्टिन बीबर इंडिया आया, डांट डूज करके चला गया, पैसे पूछे कमा के चला गया, हमें क्या टैक्स देगा? बिल्कुल देगा, हम कहेंगे इनकम रिसीव इन इंडिया। मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ऊपर नहीं, अभी तो शुरू करूंगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है, बुक में चार्ट भी बना हुआ, इनकम रिसीव इन इंडिया,
अब कहते चलो मान लेते हैं इंडिया आया, परफॉर्म किया, पैसे उसने बाहर ही लिए, इंडिया में पैसे ले ही ना। एक और पॉइंट है, इनकम एक्रू इन इंडिया, आंट कहां करी, परफॉर्मेंस कहां थी तेरी भाई? हाँ इंडिया थी। पैसे चाहे फॉरन में मिले, बुक भी तुझे किसी फॉरनर नहीं, मान लो वहीं के जेम्स ने जस्टिन बीबर को कहा कि मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तूने इंडिया जाकर परफॉर्म करना, बाहर के बंदे नहीं, बाहर के बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दिया, बट परफॉर्म कहां करना है? तो हमारे यहाँ तो फंक्शन हुआ ना भाई, हमारे यहाँ से टिकटों के पैसे इकट्ठे करके तू तो भर के चला गया। क्या चीज़ जी? वो तो यार अपना क्या मामला है, आप तो टैक्स लेना है, आप तो किसी को भी दे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको जेम्स ने किसी ने बुक करा बाहर, उसने इंडिया आके परफॉर्म किया, आप तो अपने टिकटें बेच के पैसे लेके चले जाएंगे, हमें पैसे कौन देगा? तो पॉइंट ये कि एनी सो मेनी पॉइंट्स आ दिया। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ से पैसे कमाए, कैनेडा में एग्रीकल्चर लैंड ले ली, यहाँ पैसे कमाता हूँ, वहां जाना जरूरी थोड़ा है, वहां जाना जरूरी थोड़ा है, वहां पे मॉल ले लिया, पेट्रोल पंप ले लिया, किराए पे दे रखा, घर ले लिया, जा दो ना जाओ रेंट पे दे रखा प्रॉपर्टीज, और वहां से मुझे रेंट मिलता है, और मिलता भी छोड़ो, इंडिया भी नहीं लाता, मैं वही के अकाउंट में जमा करा देता हूँ। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट मुझसे टैक्स लेगी? बिल्कुल लेगी, फ्रॉम एनी अदर सोर्स। आप इंडियन है, आप रेजिडेंट हैं, आपको हर तरह की इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, पर उसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्स कर दिया। इंडिविजुअल के अंदर कितने पॉइंट डाल दिए? तीन। अगर आप समझदार बने, आज के बाद अगर मैं सही चलूं, मैं साइड पे वैसे लिख रहा हूं, वैसे लिख रहा हूं, इंडिया में रहके इंडिया की प्रॉपर्टी है, कैसे? हाँ आपने स्टेट क्यों बोल रहे हो, कनाडा बोलो, स्टेट में तो वैसे इंडिया बैठा तू। पर हाँ अदर कनाडा वो ना फॉरेन कंट्री है भाई, स्टेट होना इंडिया होना है। हाँ कर दी। हाँ जितनी मर्जी इंडिया करो। हाँ में आपको इनकम तो बाहर से हो रही है, इंडिया तो छोड़ के फिर मैं रहता हूँ तो इंडिया भाई, तो वो तो वहीं से वहीं पे कुछ अच्छा वो आपकी चक, फिर भी बात करती हूँ। अगर मैं तुझे कहूँ जी कल तू 10 लाख कमाता है और 10 लाख खर्च कर दे, इंडिया तो आपको टैक्स नहीं देगा, ये मैं तो जीरो कर दिए। तो वहीं पे थोड़ा फिर बात आपका नहीं यार, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सिंपल है मेरे भाई। आपके घर वाले 10 करोड़ कमाए, 10 करोड़ ही मैं कह रहा हूँ फॉरन में खर्च कर दी, आप टैक्स नहीं देंगे, और एक्सप्लेनेशन ये देंगे कि मैंने कमाए और वहीं उड़ा दिए। मेरी बात नहीं समझ रहा भाई, कमाने पे टैक्स है इनकम टैक्स, खर्चने पे नहीं है, समझ पा रहे? कल को तो हिंदुस्तान सरकार को क्या कहे कि मैं यहां से 5 लाख कमाता हूँ, तेरी फॉरन की एग्जाम्पल छोड़ो, फिर तूने यहां भी वही एग्जाम्पल कॉपी कर दे, यहीं से 5 लाख कमाए, यही 5 लाख जीरो कर दिए, तो टैक्स बनता ही नहीं। टैक्स कमाने पे है, खर्च करने पे थोड़ा है। अब आप कहो जी मैं फॉरन गया, मैंने पैसे कमाए, वहीं खर्च कर दिए, मेरा क्या मैटर है, ना कर मेरे लिए खर्च कर रहा है, मैं तो कमाने पे टैक्स ले रहा हूं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में टैक्स ले रहा हूँ, फिर ले गई तो इंडिया का नागरिक है, देश छोड़ दे, प्रोविडेंट नहीं है यार भाई। तो बच्चे क्यों नहीं शो करेंगे आप? आप तो फ्रॉड सोच रहे हैं, हर चीज चोरी चल रही है, दुबई में पैसे ऐसे लगा देगा ये? आपके इंडिया में कोई पैन कार्ड होगा, कोई आधार कार्ड होगा, कोई डॉक्यूमेंट होगा नहीं होगा? मैं तो ये तो कह रहा हूँ, आपके दिमाग में चीजें कहती हैं कि कुछ भी हो जाए, वो फिल्मों में होता है जो कुछ भी दिखा देते हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने एग्जाम्पल क्या दी, मैं उस चीज की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन भी है मेरे पास कि आप इंग्लैंड से इनकम कमाते हैं, वहां एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, आपने वहां बच्चों की एजुकेशन भी खर्च कर दिए, मेरा क्या मैटर है, करो खर्च, कमा क्यों रहे हैं? पर टैक्स कमाने पे है, ना कि खर्च करने पे। आप ये क्यों कहेंगे कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट आपसे टैक्स क्यों लेगी? क्योंकि वो लाइबल है भाई, वो लाइबल है, आप देश के नागरिक है, आपकी ड्यूटी बनती है टैक्स देना, आप यहां ना कमाओ, किसने कहा है? और हाँ ये पूछ, इन तीनों लोगों में से कौन देगा? आर एन ओ आर, जो मैं भी लिखने जा रहा था आपके लिए, तीन कैटेगरी हैं, आर ओ आर, आर एन ओ आर, एंड लास्ट कौन है? NR। अब इनके केस में जो इन्होंने कहा कि बाहर ही कमाए और बर्थ है, वो हूं तो बस देश का नागरिक, तो सिर्फ ये बंदा टैक्स देगा और कोई नहीं देगा। ऑर्डिनरली भी आप कहाँ रहते हो? इंडिया। फिर बाहर जाते क्यों? फिर तो हर बंदे ये करेगा, आप छोड़ो, फिर तो इनकम टैक्स पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, फिर तो मैं भी बाहर के बच्चों को पढ़ाता हूँ, यहाँ बैठ के बाहर को पढ़ाऊंगा, फीस आएगी चाहे मेरे अकाउंट में आए चाहे फॉरन में आए, मैं वही खर्च करूंगा, फिर तो टैक्स बनता ही किसी का भी नहीं बनता, फिर तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, फिर तो टैक्स बनना ही नहीं चाहिए आपका रूल के अकॉर्डिंग। मैं यूएसए से सामान लेके जर्मनी भेज देता हूँ, फिर तो इंडिया टैक्स बनता ही नहीं मेरा, बाहर से लिया तो फिर टैक्स इस बात का मेरा, तो फिर तो होना नहीं चाहिए, समझ पा रहे हो? और खर्च भी कर दूं फिर तो बिल्कुल ही नहीं।
खर्च क्यों, मैं वही अपना एम्पायर बनाई जाऊंगा। बात कमाने पे है। बच्चे मेरी बात ही समझ रहे हैं। मैं आपको कहने क्या पूछा मैंने, हर साल आपका स्टेटस चेक होगा, हर साल आपका स्टेटस चेक होगा। जब आप बाहर जाती हैं तो आप इंडिया के नागरिक ही नहीं बने, दिमाग से काम तो लो। जब आप देश के नागरिक ही नहीं होंगे तो मैं आपसे टैक्स भी क्यों लूंगा? आप क्वेश्चन ही समझ रहे, मैंने पहला वर्ड आगे क्या लगाया देखते नहीं आप लोग? रेजिडेंट। ये बात ही क्या कर रहे हैं कि मैं इधर ही रहता हूँ और फॉरन कमाता हूँ, कैसे हो जाएगा? अब बाहर शिफ्ट कर जाओ, आपसे पैसे लेंगे भी नहीं। जस्टिन बीबर इंडिया में टैक्स क्यों देगा जी, अनलेस वो इंडिया के परफॉर्म करे ना आए, बुलाया तुझे ना आए, वो कहेंगे दिलजीत यहाँ पे आके पैसे कमाता है, तो मूर्ख बना हो गया फिर तो। देश पागल है जो आपको बुला रहा है और अपने पैसे लुटा रहा है और आप लेके जा रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं, बल्कि इनका पॉइंट ये है, एक पॉइंट है डबल टैक्सेशन। वो उस बात पे मैं आपके बात कर सकता हूँ, वो अगले सेमेस्टर में है। वो हमारे DTAA साइन हो रखे हैं हर कंट्री के साथ, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब जस्टिन बीबर तो कहेगा जी मैं इंडिया गया, इंडिया वालों ने पकड़ लिया, फॉरन यूएसए का रहने वाला हूं तो यूएसए गवर्नमेंट कहती तू हमारा नागरिक है हमें भी टैक्स दे। वहां कुछ परसेंटेज ऑफ एवरेज टैक्स की क्या मिल जाती है, छूट। किस बात पे? कि तूने उस गवर्नमेंट को भी टैक्स दिया और हमें भी दे रहा है, तो रिलैक्स हो जाएगा। बट ये नहीं होगा कि आप कहेंगे टैक्स नहीं दूंगा। तो सेम मैंने केस क्या लिखा, ROR, या आप मेरे लिए क्या बन जाएंगे RNOR, या लास्ट आप मेरे लिए क्या बन जाएंगे NM। अब कंडीशन सुनो, अगर आपने रेजिडेंट बनना है तो लिखेंगे जी यहां पे ही मस्ट स्टे या रिजाइड्स, ही मस्ट स्टे या मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं, रिजाइड्स इन इंडिया। तो मैं डायरेक्टली बोल ही दूंगा, ही मस्ट स्टे, स्टे मतलब रहना होना, रहना, रिजाइड्स इन इंडिया फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल, अमाउंटिंग इन ऑल 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। आई थिंक सो, मेरी बात क्लियर हो गई हो थोड़ी सी, प्रीवियस ईयर। और आप पेपर के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा पढ़ रहे हैं, 23-24, बार बार मैं बोलूंगा इस चीज को लेके, फिक्स दैट। असेसमेंट ईयर कौन सा पढ़ रहे हैं, 24-25। अब इस लाइन को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ें, ही मस्ट स्टे, असेसी का क्या वर्ड होता था, असेसी पर्सन, जो भी आप चेक कर रही हैं इंडिविजुअली कर रही हैं, ही मस्ट, मे नहीं है, करे ना करे, मस्ट करना पड़ेगा, स्टे या रिजाइड्स रहना पड़ेगा इन इंडिया फॉर अ पीरियड और पीरियड्स। ये क्यों कहा मैंने, ये नहीं कि कंटिन्यू रहना पड़ेगा ना। आप 1 अप्रैल को इंडिया थे, 20 दिन बाद कनाडा चले गए, वहां से 20 जून को वापस आ गए, फिर 1 सितंबर को फिर कनाडा चले गए, आते जाते रहते हैं, 30 अक्टूबर को फिर आ गए, 1 दिसंबर को फिर चले गए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। फॉर अ पीरियड जितने दिन यहां थे, एंड फॉर अ पीरियड्स सारे दिन तोड़ तोड़ के, अमाउंटिंग इन ऑल, अमाउंटिंग मतलब सबको जोड़कर, अगर कितने दिन आपकी स्टे बनती है 182 और मोर मतलब अगर 182 भी बन गई तो मैं आपको देश का क्या मान लूंगा, नागरिक, आर मान लूंगा, अभी ओआर नहीं, आर, ओआर के लिए और टेस्ट है, ये टेस्ट है मेरे, इसको हम बोलते हैं वैसे इंग्लिश में, हम लोग इसको बोलते हैं बेसिक कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेसिक कंडीशन, और उसको बोलते हैं एडिशनल, बाद वाली को बाद में बोलूंगा, इसको बोलते हैं बेसिक। और ये बेसिक की कौन सी कंडीशन है, मान लीजिए ए, मान लीजिए ए, मान लीजिए बच्चा कहता है जी चलो मैं समझ गया आपकी बात, कि 182 डेज अगर मैं इंडिया में रहूं तो आप मुझे देश का क्या मान लेंगे, नागरिक। 182 मतलब इन कट्ठे या इन पार्ट्स, हमें कोई दिक्कत नहीं। और इस पे भी एक सर्कुलर आया था, जैसे वो बर्थडे वाला नहीं आया था, इस पे भी एक सर्कुलर आया था, क्या, जिस दिन आप इंडिया से जाएंगे और जिस दिन उधर से इंडिया आएंगे, वो दोनों दिन भी क्या माने जाएंगे, इंडिया। टेंशन होती है, यहां से फ्लाइट पकड़ी रात को 11 बजे, सुबह पहुंचे अगले दिन कनाडा, तो कौन सा दिन इंडिया माने, कोई दिन थोड़ा बांटेंगे हम लोग। तो जिस दिन यहां से गए
मतलब 10 सितंबर गए तो 10 सितंबर को कहां काउंट करूंगा, इंडिया। उधर से 22 सितंबर को चले तो 22 सितंबर को चले पहुंचे इंडिया में, 23 को 24 को जैसे पहुंचते हो, चले किस दिन, 22 को। डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर दोनों कहां माने जाएंगे, इंडिया। ये सर्कुलर है हमारे पास। मैं क्या जी, कुल मिला के है तो ठीक पर कंडीशन मुश्किल है। क्यों, 182 डेज का मतलब समझते हो, मोटा मोटा 6 महीने सोच लो, 365 है, हाफ हो गए, तो मोटा मोटा 6 महीने में इतना टाइम तो मैं इंडिया नहीं आ सकता। कहते चलो टेंशन के लिए और है, एक और है, और सुन लो। मैं हाँ और सुना दो। कहता जी ही मस्ट, मैं थोड़ा शॉर्ट लिखना चाहूंगा, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज इन द RPY, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, मतलब रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और ये हर साल चेक होता है, आप जिस साल की इनकम बढ़ रहे हैं, टैक्स बढ़ रहे हैं, उस साल में आपसे दोबारा पूछूंगा, हर साल। कहता ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर कितने दिन, 60 डेज फॉर अ पीरियड। वो कहानी सेम है, मैं लिखने जा फॉर अ पीरियड और पीरियड्स, तो बच्चा कहता तो बढ़िया हो गया, वहां 182 था और यहाँ पे सीधा 60, और वो भी कट्ठे नहीं रहना, फॉर अ पीरियड और पीरियड्स। एंड अगर मैं समझदार हूं, इतना आसानी जरूरत भाई सरकार, एंड में कंडीशन एक और है इसके अंदर, तो ये इसमें कहने के लिए ऑलरेडी 2 कंडीशन है, और में जाएंगे तो एंड 365 डेज और मोर इन द प्रोसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर्स, फॉर अ पीरियड ऑफ पीरियड सब कुछ सेम है, जहां डेज चल रहे थोड़ा डेज ही है, फॉर अ पीरियड। अब 365 को एक साल मत बोल देना, हम बोल देते हैं मोस्टली जैसे 30 डेज और 1 मंथ, नहीं, डेज है तो डेज है, मंथ है तो मंथ है, ईयर है तो ईयर है, डेज है डेज है। अब 365 डेज मतलब डेज, अगर आप बोलें जी एक ही की बात है, एक साल नहीं, डेज बोलो। अब क्या कहा, ध्यान से सुनो, मैं कह जी 182 डेज रह जाओ, मैं कहा मुश्किल है, मैं कट्ठे नहीं रहना तोड़ कर, मैं फिर भी मुश्किल है तो 6 महीने है, तो 6 महीने डर लगेगा, जाना है जाना है, इंडिया जाना है, क्यों करना है। एक काम करो, आप 60 दिन रह जाओ उस साल जिस साल का स्टेटस चेक कर रहे हो, और मोर 60 और मोर होता है, वैसे हर जगह मोर तो होगा ही, आपका देश है जितना मर्जी रहो, पर कम से कम कितने दिन, 60, किस साल, मैं बॉक्स कर रहा हूं, RPY, RPY मतलब 23-24 रेलेवेंट। अब मैं मान करो अगले साल के लिए क्वेश्चन निकाल दूंगा तो रेलेवेंट कौन सा बन जाएगा, 24-25, 22-23 के लिए निकालूंगा तो 22-23 बन जाएगा हर साल के लिए, ये तो हो जाएगा 60 दिन। मैं क्या, मैं तो हर साल आता हूं, कोई चक्कर नहीं, 70-80 दिन आ जाता हूं, कर जाता हूं। बट पिछले 4 साल, मुझे पहले बताओ आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है, अब इसके पिछले 4 साल लिखवाओ, बैक से शुरू करो, 22 कौन सा होगा, याद ही कर लेंगे आप, 22-23 और चलो 21-22 बैक चलो, 20-21, दीज आर द 4 ईयर्स, इन सबका टोटल मिला के 365 और मोर डेज इंडिया में रहना है, स्टे करना है। तो बच्चा यहां पे कई बार सोचता है 365 डेज और मोर, अब 4 साल में, तो बच्चों का तो बड़ा आसान है, 4 साल में, एक साल में 365 होते, 4 साल में तो करते करते काफी हो गए, अगर मैं खुद ही करूँ 1460 के अराउंड दिनों में 365 ही रहना है, मैं कहा हाँ नहीं है, आपको दिन दिए होंगे। अब मैं एक काम कर सकता हूं, क्वेश्चन अगर बनाऊ, बुक में क्वेश्चन है इसके, इस साल रह जाता हूं कितने दिनों के लिए, 100, ये साल मैं स्किप ही कर दिया, आया ही नहीं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, इस साल रह जाता हूं कितने दिनों के लिए, 240, और इस साल आता हूं सिर्फ कितने के लिए, क्या मेरी कंडीशन पूरी होती है, बिल्कुल होती है, चेक करो, चेक तो करो, ओए वो तो करंट ईयर में है, तो यार प्रेजेंट क्यों नहीं जाता, ये 22-23 है मेरे प्रभु, ये 23-24 है, इसमें तो लग से रहेंगे, इसको तो छोड़ ही दे, मैं तो चेक ही कौन सी करा रहा हूं, वो तो पूरी होगी तभी यहां पहुंचेंगे, अगर वो चेक ही ना हुई तो यहां पे कितने दिन बन गए, मुझे कितने चाहिए, तो ये तो कंडीशन पूरी है,
लाइक क्या अगर इसमें हम देखें तो कॉन्सिक्यूटिवली बोले तो 4 इयर्स कंसर्ट पे होते किसने कहा कि होने चाहिए? अब लॉ तो पढ़िए ध्यान से, ध्यान ही नहीं पड़ रही। हैं, 4 सालों में किसी में भी 365 पूरे कर दो, तो मैंने स्किप किया। चाहे उसको और स्पेल मैंने स्किप क्यों किया, मुझे शौक है, वरना मैं 90 नहीं देता। स्किप ही क्यों करा है कि आपका डाउट आता है, यो साल तो छोड़ ही दिया, आपको क्या प्रॉब्लम? आपको तो पिछले 4 सालों में 365 चाहिए, बल्कि मेरे तो 380 बनते हैं, तो मेरा लॉ तो पूरा है। हाँ, बट इस पॉइंट पे मैं तभी जाऊंगा ना जो ये पूछ रहे थे, अगर रेलेवेंट ईयर में ऑब्वियसली बच्चे 60 से क्या होंगे, 60 से ज्यादा ही नहीं होंगे, तो मैं जाऊंगा ही क्यों? अगर आप कहें जी मैं तो करंट ईयर में 40 डेज के लिए आया हूं, तो मैं इस लॉ को ओपन ही क्यों करूंगा? ये तो फिर आपके ऊपर ओपन ही नहीं होगा। तो लॉ समझो ना, एंड है, यहां तो और आ गया, बीच में तो उसके एंड है, देखा नहीं आपने क्या? एंड मतलब करंट ईयर में कितने दिन, 60 और मोर, और पिछले 4 सालों में किसी भी 4 साल का टोटल कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर कितने चाहिए, 365 और मोर। इवन दो यू कैन स्किप द ईयर, मुझे दिक्कत नहीं। अब इसमें मैं सीए वालों के क्वेश्चन कराता हूँ, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है वो रिकी पॉन्टिंग का, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है जी, हर साल 100 डेज के लिए इंडिया आता है। आपको मैं केस आपके दिमाग में बैठा रहा हूँ, फिर आपको पता चलेगा कहाँ जाके फंस गया वो। 100 डेज के लिए हर साल इंडिया आता है, आईपीएल यूपीएल क्रिकेट क्रिकेट के लिए आता है। अगर 100 डेज के लिए आता है, वो तो कभी देश का नागरिक इस पॉइंट में तो बन ही नहीं पाएगा, तो यहां तो चाहिए ही 182। मैं कहा कोई बात नहीं, इधर का लॉ है, कहते इधर का लॉ क्या कहते हैं, मैं पहले आरपीवाई में कितने दिन आना है, 60। मैं तो कह ही रहा हूं यार, कसम खा के हर साल 2001 से लगाऊं, जब से टाई अप हुआ इंडिया से, हर साल आता हूं, 100 105 100 ही बोलूंगा मैं वैसे कांस्टेंट, 100 दिन के लिए। तो आप कहते वेरी ओके, एंड पिछले पिछले 4 इयर्स में मुझे कितने दिन चाहिए, एंड वेरी क्लियर, तो 100 100 दिन तो आता ही है बेचारा, इंटू 4 हाउ मेनी डेज ही ऑलरेडी इन इंडिया, 400, मुझे तो चाहिए 365। तो ऑलवेज ऑलवेज रेकिंग पॉन्टिंग हमारा इंडिया का क्या बन जाएगा, ये तो भी रेजिडेंट बने, अगर ना बनता फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता। रेजिडेंट बनते ही पहले समझ आया थोड़ी बात, रेजिडेंट बनते ही मेरा क्वेश्चन और सुनना, अगले दो टेस्ट थे कौन से, कुछ याद है? ओ आर या NOR? अब थोड़ा काम हार्ड है, यहां पे भी कंडीशन है, और इन दोनों कंडीशनों के बीच में क्या है, मींस दैट दोनों कंडीशनें क्या होनी चाहिए सेटिस्फाई, तब जाके आप मेरे लिए क्या बनेंगी, ओ आर, अदरवाइज आप मेरे लिए हमेशा करेंगे NOR। अब बच्चा कहता अब दो कौन सी हैं जी, मगर वो भी बताते हैं, सिंपल है, ध्यान सुनो, आउट ऑफ, ऐसे लिख रहा हूं मैं एक बार के लिए, प्रसीडिंग 10 इयर्स, आउट ऑफ प्रसीडिंग 10 इयर्स, आउट ऑफ प्रसीडिंग 10 इयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट, किससे, प्रीवियस ईयर। मजेदार चीज ये है, इसको मैं इंग्लिश में नाम देता हूं एडिशनल कंडीशन। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, अच्छा पहले वाले को क्या नाम दिया था, बेसिक, याद भी ऐसा होना चाहिए, बेसिक बेसिक है, एडिशनल थोड़ी हार्ड है, और दोनों के बीच में एंड है, दोनों के बीच में एंड है। आउट ऑफ प्रसीडिंग 10 पिछले 10 साल, किससे, फ्रॉम द आरपीवाई, और मजेदार किस्सा, एडिशनल कंडीशन आरपीवाई पे है ही, आपका डाउट ही खत्म कर देता हूं। एडिशनल कंडीशन के लिए हमेशा कौन से साल देखने हैं, करंट को छोड़कर पिछले, पिछले कितने करेंगे बात, आउट ऑफ प्रोसीडिंग 10 ईयर फ्रॉम द आरपीवाई बिकेम रेजिडेंट ऑफ इंडिया Any 2 years, मैं हाईलाइट कर देता हूं रेजिडेंट, सिंपल, पिछले कोई 10 साल, कोई मतलब यहीं से बैक, हाँ कोई मतलब कोई नहीं, यहीं से बैक, जैसे चल रहे थे ना ये बैक, कितने साल थे हमारे ये 4, तो ऐसे 6 और मान लो, 18 19 17 18 16 17 15 16 मान लो, उन दो 10 सालों में कोई 2 साल ओपन चॉइस, कोई दो सर 15 16 हारा, नहीं मैं कहा कोई यार कोई,
सारे छोड़ दे, कोई कर दे, लास्ट के कर दे, पहले कर दे, बीच में कर दे, कोई कोई 2 साल आपने ध्यान नहीं दिया, इंडिया के क्या बन जाओ, रेजिडेंट बन जाओ, रहना नहीं है। आधे बच्चे एक ही मतलब समझते हो, मतलब रहना है, पागल हो गया, 2 साल कौन रहेगा, 2 साल रहने का मतलब समझते हो, कौन रहेगा 2 साल पूरा पूरा, हम तो वैसे नहीं आते, रहना नहीं है, बस देश का क्या बनना है, नागरिक। और मजेदार किस्सा ये है, देश का नागरिक बनने के लिए क्या कंडीशन थी, इनमें से कोई मतलब किसी भी साल 182 डेज आ जाओ और मोर आ जाओ, और वो नहीं आ सकते, फिर रिकी मोंटिंग वाला केस, 2001 से आ रहा हूं, 2001 से आ रहा हूं, हर साल कितने दिन के लिए आ रहा हूं, 100 दिन के लिए, तो ऑलवेज ही इज अ रेजिडेंट, और आउट ऑफ 10 एनी टू, कोई तो मैं कह रहा हूं यार मैं हर साल आ रहा हूं, तो मुझे आउट ऑफ 2 कही जा रहा है, तो ये कंडीशन में अगर आप थोड़ा समझ पाए, रेजिडेंट बनना है रहना नहीं है। रेजिडेंट बनने के लिए टेस्ट 2 थे और उन 2 में भी और था, अब मैं थोड़े पंगे लूं ना, आप मुझे थोड़ा सा ईयर लिखवाएं तो आपको पता चले कि 23-24 तो बोलना नहीं आपने, करंट ईयर है, मैंने बोला था फ्रॉम द प्रसीडिंग रेलेवेंट, तो यहां पे मैं पहला ईयर कौन सा लिखूं, 22-23, थोड़ा कोशिश करते हैं बोलने की, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे जितने हो सकते हैं थोड़े से लिख लेते हैं, और सॉरी यहाँ पे 19-20 मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये हो गए 18-19 17-18 ऐसे ही बोल रहा हूं, आगे आप देख लेना कहां तक पहुंच गए, एक बार चेक करना, हो गए 4-5 एक रह गया। अब इनमें से आपके सामने लिख दिए जान के मैंने, किसी भी 2 साल देश के नागरिक बन जाओ, मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां मैं कभी नहीं आया, ठीक है, मतलब आंसर में समझो, यहां कभी नहीं आया, यहां कभी नहीं आया, यहां कभी नहीं आया, यहां आया कितने दिनों के लिए, कोई दिक्कत है, कितने दिनों के लिए आना था, आप बेसिक कंडीशन में भी कौन सी कंडीशन चेक कर रही है, अब ए पे आ गई, जब ऑलरेडी 190 दिन आ रहा है तो उससे ये क्यों पूछ रहे हो कि 60 दिन आएगा, 365 दिन आएगा, बाबूजी मैं जब उस साल कितने दिन आ गया, समझे नहीं, जब मैं ऑलरेडी पास हो रहा हूँ मुझे क्यों कह रहे हो ग्रेस मार्क्स दूं, पहले मैं पास तो हो गया मुझे क्यों ग्रेस मार्क्स दे रहे, मैं तो सबको दे रहा हूँ, तू भी ले ले, पागल हो गया, सबको दे रहे दे, फेल है, मैं पास हूं मुझे क्यों दे रहा है, नंबर बढ़ाने वो ग्रेस क्यों बोल रहा है, तो मैं तो ऑलरेडी तेरा टेस्ट पास कर रहा हूँ वो भी 182 वाला, तो मुझे क्यों कह रहा है पिछले 4 साल कहाँ था, मैं तो पागल ही हो गया, और उस टेस्ट में और है, या तो ये या ये, मैंने ये कर दिया। अब इसमें से मान लो मैं यहां फिर स्किप हो गया, मान लेते हैं ठीक हो गया, और इनमें से अगर मैं कहूं जी यहां से मैं स्किप नहीं कहता, मान लो लगातार आता रहा हूं इंडिया वही रिकी पॉन्टिंग की तरह, कितने दिनों के लिए, 100-100 के लिए, 100-100 के लिए, कितने दिन हो जाएंगे देख रहे हो, 500, पर आप चेक करते हैं वही कंडीशन, एक साल में 60 दिन, पिछले में 400, आप इस साल को अगर देखें तो कितने दिन इंडिया आना था, 60 और मोर को, मैं ऑलरेडी कितना आ रहा हूं, प्लस इसके साथ प्लस है, पिछले 4 सालों में कितने दिन आना है, 365, और मैं ऑलरेडी कितने आ रहा हूं, 400, आई एम अगेन आपका क्या बन जाऊंगा, और पहले भी बन गया अभी बन गया, और पहले मैं किस टेस्ट के अकॉर्डिंग बना, 182 और मोर, और है भाई कभी भी कोई कर दो, ये थोड़ा आपने हमेशा इस रास्ते से आना, आप घर से आते हैं एक रास्ते से आना है, मेरा मर्जी है कोई भी चौक मोड़ लू, जाना 10 सेक्टर है, ये थोड़ा कसम खाई है यही रास्ता जाना है, ये तो सोच नहीं, तो सेम मैंने अपनी कंडीशन पूरी करी, कहीं नहीं लगा मन मैं इंडिया बैठ गया, 200 दिन लगा दिए, मैं रेजिडेंट बन गया, सर मैं 365 रह जाऊं फायदा कोई नहीं है, रह तो जाओ फायदा कोई नहीं है, 365 रह के कारण चाहिए तो 182, जैसे मुझे टेस्ट पास करने के लिए सीए में 50 नंबर चाहिए, मैं 80 नंबर ले लूं, 90 ले लूं, चाहिए तो 50 ही, पास ही लिखाएगा वो तो, लिखा तो आना तो पास ही लिखा है, तो सोचने की बात ही नहीं, क्या सोचना है, तो सेम पॉइंट यहाँ पे, अब रिकी पॉन्टिंग वाले में केस में अगर सोचू वो लिखा होगा सिंस 2001, वो इंडिया में आ रहा है और 100 दिन के लिए आ रहा है, तो उसको तो मैं जहां भी बेचारे को बैक करूंगा, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, जहां भी उसको मैं क्या करूंगा, बैक करूंगा कि इस साल कितने दिन,
60 और मोर, और अगले 400, फिर अगले में चेक करूं 60 और मोर, फिर अगले 400, वो तो हमेशा मेरा क्या बन जाएगा, ओवर। बस वो एक टेस्ट में फंस जाएगा। अभी लिखने जा रहा हूं, एंड देखो, ही रिजाइड्स इन इंडिया फॉर 7:30 days और मोर। ही रिजाइड्स, अब रहना है, अब बनना नहीं है, अब रहना है। कितने दिन? 730 दिन, मोटा मोटा 2 साल हो गए, 365 का डबल, 2 साल हो गए। और मोर इन प्रसीडिंग, यहां पे रेलेवेंट की बात नहीं होती भाई, यहां प्रसीडिंग ही चलता है सब कुछ, एडिशनल लगती ही प्रसीडिंग पे। प्रसीडिंग 7 previous years फ्रॉम द आरपी भाई। अब रिकी पॉन्टिंग बहू जी फंस जाएंगे। कितने दिन इंडिया रहना था? 730 दिन, दिन ही कहेंगे पता। पिछले कितने सालों में? 7। बाबू जी आते हैं 100 दिन के लिए, 100 × 7, यहां फंस गया, यहां फंस गया। और यही बुक में हमारे पास क्वेश्चन है, बी पार्ट पूछते हैं, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ही रिजाइड्स इन इंडिया, या आए वो 110 दिन के लिए? देन हम कहते हैं आंसर बिल्कुल डिफरेंट, फिर बन जाएंगे 770, ऑब्वियसली देन वो रेजिडेंट बन जाएगा। तो वो ये चीजें आती है पेपर में, आपको कराऊंगा मैं क्वेश्चन, मतलब आजकल पूछते हैं बीकॉम वाले कम है, तो डिफरेंट चीज है वो, स्कोप ऑफ इनकम पूछ के भाग जाते हैं मेरे, इसको कोई इनकम पूछ लो बच्चे से, ये तो कम ही पूछो, ये थ्योरी में पूछते हैं आपसे सारी चीज। बच्चा इसकी लेंथ बना के मुझसे पूछता है कैसे बनाऊं, लेंथ कैसे बने, और जितना मर्जी लिख लो इसको, जितनी मर्जी एग्जाम्पल लाइव दो, बुक तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अब बना नहीं जाते सामने बैठ के, ईयर में जो मर्जी लिखो, राम आया कब से गया, फिर की बॉन्डिंग वाला कोई मर्जी बना दो, जब मर्जी इंडिया भेज दो, जब मर्जी वापस ला लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा ये, अपने को चिंता थोड़ा प्रूव करने की रेजिडेंट है। तो सेम इस केस में रिकी पॉन्टिंग बाबूजी फंस जाएंगे, क्योंकि स्टे चाहिए थी 730 दिन, वो तो आते हैं कसम खा के 100 दिन के लिए, × 7 700 days, और यहां कंडीशन के बीच में क्या है, एंड मतलब प्लस है, अगर एक भी कंडीशन ना हुई देन मैं आपको ओआर नहीं मानूंगा, फिर मेरे लिए आर तो बनेंगे बट क्या बन जाएंगे, एन ओ आर। अब अच्छा पूछता, कोई ज्यादा ही फर्क है क्या आर ओ आर और एन ओ आर में? वो आपको पढ़ाऊंगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तो भी तो फर्क होगा, अपना की बहस कर रहे हैं पर, कोई तो फर्क होगा कि इतना बड़ा पहाड़ टूट रहा है, कि आर ओ आर है, आर एन ओ आर है, एंड द एन आर है। अब इतने में जब बच्चे ने सारी बातें सीख लेता है बच्चा, इतने में 3 पॉइंट्स इसके आते हैं जी एक्सेप्शन। कितने पॉइंट्स? 3 एक्सेप्शन। तो मैं एक बार लिख रहा हूं, बस नाम लिख रहा हूं उनके, दो वो 3 एक्सेप्शन कौन सी हैं, ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। 3 एक्सेप्शंस। नंबर 1, इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अगर आप इंडिया छोड़ के गए हैं, उसका मेन कारण क्या था? एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, क्रू मेंबर्स, सुना होगा शिप पे जो काम करते हैं मेंबर्स, शिपिंग में जॉब पे भी होते हैं, मूवीज वगैरह भी आती थी दोस्तों, बावरी वगैरह जो भी था, क्रू मेंबर्स टाइप। नंबर 3, इंडियन सिटीजन, इसमें बहुत तगड़ी अमेंडमेंट आई थी तब की बात है, और ये सारी कंडीशन रिव्यू वालों के लिए भी सेम है किसके यार। लिए जी? नहीं, अभी मैं वही बता रहा हूँ, एक्सेप्शन है, ऊपर जो पढ़ाया हम सबके लिए, इनके लिए थोड़ा स्पेशल है, इन तीनों के लिए स्पेशल, तीनों के लिए मैंने तैयार होकर दिए। इंडियन पर्सन सिटीजन जो बाहर गया नौकरी के लिए, क्रू मेंबर जो रहती शिप पे, तीसरा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन, कभी सुना? बढ़िए, पर्सन ऑफ जनरल सेंस में मैं बताऊंगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन विजिट इंडिया फॉर टूर पर्पस।
इंडिया आता है सिर्फ किस काम के लिए? घूमने के लिए, विजिट इंडिया, विजिट इंडिया फॉर टूर पर्पस। करेक्ट सुनना, बड़ा तगड़ा करेक्ट था इसके अंदर। तो ये एक्सेप्शन क्यों है पहले तो? इनको भी तो हक है देश का नागरिक बनने का, इनसे भी पूछा जाए। ये थोड़ा शिप पे रहते हैं तो आते नहीं, आते तो है और देश की नौकरी कर रहे हैं। अब बच्चा कहता है फॉरन चले गए तो नौकरी करने नहीं, मोस्टली एम्बेसिस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, यहाँ के सरकारी बंदों ने कहा जो है कनाडा अमेरिका उनके वहां काम कर रहे हैं, पर है तो इंडियन, इंडियन जॉब कर रहे हैं पर रहते वहां, रहते वहां है, कोई साउथ अफ्रीका कोई अमेरिका कहीं पे भी। इन लोगों को साफ कहा गया तुम्हें भी तो हक है क्या बनने के लिए? मैं क्या, हाँ हमें भी हक है। तो कहते फिर वही चीजें बेसिक एंड एडिशनल। मैं क्या, हाँ वही वही वही। बस इनसे जो पहला टेस्ट कराया जाएगा कौन सा था? आपको बेसिक कंडीशन में मैंने क्या ऑफर किया था? और पढ़ो क्या था, 182 और मोर हार्ड था, या और ये नहीं करना तो 60 और मोर इन RPY प्लस 365 पिछले 50 साल। इनको साफ मना कर दिया, अगर तुमने देश का क्या बनना है बस तुम्हारे लिए एक ही टेस्ट है, 182 और जिसको हम कहते हैं ओनली कंडीशन नंबर 1 का ए इज एप्लीकेबल। थोड़ा हार्ड कर दिया, अगर तुम्हें देश का नागरिक बनना है तुम्हें तो 182 और मोर आना ही पड़ेगा। अब कहते उनको तो तुम कहते हो 60 आ जाओ, रिकी पॉन्टिंग तक को तुम बुला रहे हो 100 100 दिन के लिए, आप तो इधर गए। मैं नहीं, बस हार्ड है बाहर ही रहो, 180 और इधर करना भी, मैं 182 और मोर हो गया। ये तो बेसिक थी, चलो मान लेते हैं अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट। नहीं हुई तो नॉन रेजिडेंट। चलो एनी हाउ मान लो आ गए, कर गए, क्या बन गए? अगली कंडीशन सुन लो क्या होती थी, ओ आर एंड क्या होती थी। मैं आपके लिए फायदा कर देता हूं, ये आज भी इनके लिए भी क्या है, नो चेंज, नो चेंज। तो बच्चा कहता है फिर क्या चेंज है? थोड़ा सा चेंज है, छोटा सा चेंज क्या है इन तीन लोगों के लिए बेसिक कंडीशन में, और नहीं इन तीन लोगों के लिए बेसिक, जितना मर्जी लिख लो चैप्टर। और जेन्युइनली अच्छा राइटिंग, टीचर पढ़े उसको पता चलेगा यार बंदा रेजिडेंशियल चैप्टर। आप किसी भी बच्चे को ऑरली सुना दोगे वो पढ़ेगा, बोलेगा कि देखेंगे थ्योरी क्या, थ्योरी क्या क्या करनी है, ऑरली या सीधी ये बातें चाहे। पर क्रक्स के बाद पहले दिन समझ जाती है बात, थोड़ा टाइम। तो आप कहेंगे इन तीन लोगों को के लिए रेजिडेंट तो बनना है, पर बेसिक कंडीशन में और नहीं है, ओनली वन कंडीशन, दूसरी कंडीशन नहीं खुलेगी। ओके तो इनके लिए कहीं ना कहीं टेस्ट हार्ड तो हो गया, चलो एंड दे ऑल्सो परफॉर्मिंग इट। एंड अगर इससे रेजिडेंट बन जाते हैं, अगला टेस्ट सबके लिए क्या है? सेम वही, 10 में से 2 साल एंड 730 दिन पिछले 7 साल। अगर कर देते हो तो ओ आर, कर देते हो तो निकी बात। गवर्नमेंट थोड़ी सी रिलैक्स हुई कि है तो ये बड़ा हार्ड है यार, 182 भी बहुत हार्ड है, 6 महीने। गवर्नमेंट रिलैक्स तो हुई, बट सिर्फ किन लोगों के लिए? मैं कलर चेंज कर रहा हूं, थर्ड लोगों के लिए। थर्ड कौन? जो इंडिया सिर्फ घूमने आते हैं, इनके लिए गवर्नमेंट कहती है चल यार तू बोर हो ही जा रहा है साइड पे आ जा, तेरे लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाते, तेरे लिए रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स क्या? एक टेस्ट तो तेरे पास था ही, कौन सा? 182 और मोर। मैं क्या, हाँ वो तो था ही, तभी तो बुला रहा हूं तुम्हें, मैं नहीं कर पाया। कहते चल तेरे लिए दूसरा रास्ता ओपन कर देते हैं सिर्फ तेरे लिए। अब सरकार इतना कुछ कर रही है कोई खास बात होगी, और ऐसे तो नहीं करेगी, लालच तो दिखा होगा। तो चलो कोई बात नहीं, सुनते हैं। 182 और मोर, मैं तेरे लिए और है, तेरे लिए है, बाकी तो पहले पहले तो नहीं था, अमेंडमेंट आई, तेरे लिए कर दूंगा। चल तेरे लिए, बाकी नहीं, क्रू मेंबर वही हो जा, वही खड़ा रहे, इंप्लॉयमेंट आउट ऑफ इंडिया बाहर चल, तू कहा इंडिया घूमने आया आ जा। पर 182 मोर, मैं कहा नहीं ये तो मेरा है नहीं, चल एक काम कर, तेरे लिए कितने दिन कर देता हूं, पहले कितने थे? 60, ना ना 60, दूसरे टेस्ट में चेक करो, दूसरे टेस्ट में आम बंदे के लिए कितने थे? 60, पर तेरे लिए 60 नहीं है, थोड़ा टेस्ट तो हार्ड तो रखूंगा पर रास्ता ओपन कर दिया, छोटी बात है। आप कहें जी आपके लिए कोई चीज दे रहा हूँ, ये तो ऐसी है वैसी नखरे कर रहा है, ये चीज मिल रही है बहुत बड़ी बात है। तो इसमें मैं कहूंगा तेरे लिए 60 नहीं, 120। और उसके बाद अभी मेन चीज सुनना क्यों करा इनके लिए, 120 और कितने मोर इन किसमें? RPY एंड एंड समझते हो, साथ में वो टेस्ट सेम रखा कितने दिन?
ये सेम रखा 365 और मोर, किसमें? इन प्रसीडिंग कितने इयर्स? 4 इयर्स, यहाँ 4 थे ना, फ्रॉम द किससे? आरपी भाई, ये सेम रखा, मतलब बच्चा कहता है अच्छा रिलैक्स कर दिया, मतलब दिन बढ़ा दिए, पहले 60 थे भाई 120 कर दिए। पहले तो देखो समझो ऑप्शन नहीं थी, अगर ऑप्शन दी बस 60 की जगह कितने कर दिए 120, और उसमें भी दो तीन बातें पूछते के बाद, उसके भी दो तीन चीजें पूछने के बाद, क्या अगर ये रास्ता तेरे लिए तब ओपन कर रहा हूं, इफ यूर ओ एफ एस आई, ओ एफ एस आई रुपीज लिख रहा हूं, मोर देन 15 लाख, इफ योर ओ एफ एस आई भाई बोलूंगा रुपीज मोर देन 15 लाख है, कोई लालच तो रखूंगा तभी तेरे रास्ता खोलूंगा, वीएपी गेट होता है तभी होता है, कोई वीएपी हो तो सही, वरना क्यों होएगा वीएपी गेट। तो ओ एफ एस आई मतलब अदर देन फॉरन सोर्स इनकम, अदर देन फॉरन सोर्स इनकम, फॉरन की इनकम छोड़ के अगर तेरी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ज्यादा है इक्वल भी नहीं, इक्वल है मैं नहीं बोलूंगा, मोर देन 15 लाख, बड़ा डाउट है उसके अंदर। अब आप कहें जी मैं इंडिया घूमने आता हूं, मैं फेसबुक में काम करता हूं अरबों कमाता हूं, मैं कहूँ मैंने क्या लेना, जा वहीं रह, इंडिया में क्या है तेरा अदर देन फॉरन सोर्स, अगर मेरे फॉरन के बैंक में करोड़ों पड़े हैं, मैं कहूँ यार फिर भी बात, मुझे क्या लालच है तेरे उससे, तू कभी कभार तो इंडिया आता है, इंडिया में तेरा क्या इंटरेस्ट है, इंडिया में तेरी क्या प्रॉपर्टी है, अदर देन फॉरन सोर्स इनकम, इफ मोर देन 15 लाख देन मैं तेरे लिए गेट ओपन करूंगा, और गेट ओपन में भी क्या 182 और तो मोर था ही, वो तो देखो अगर ये टेस्ट कर लेता फिर इस दिन की नौबत आती, ये नहीं कर पाया तभी वो आया, अगर वो कहे जी मैं तो 120 दिन भी नहीं आ सकता तो हम क्या कहेंगे दफा हो, हाँ और क्या करें साले तेरा, अब तू कहे 40 दिन के लिए खो दो, इतने भी लालची नहीं है, इतना कमेंटमेंट करी हमें समझ लगा हमने कर दिया, साले 120 दिन तो आ जा, वो 120 दिन भी तो हर साल आएगा तो 4 साल में कितने बन जाएंगे 480, ठीक है इतना टेस्ट हर बार पास होगा, इतने दिन तो आ जा 130 140 चलो 182 182 मुश्किल है तो 130 135 140 कुछ तो आ जा, नहीं फिर रहने दे, ये आएगा क्वेश्चन, वो आया जी सिर्फ 50 दिन के लिए, एंड उसकी अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 10 करोड़ है, मगर चाहे 50 करोड़ मैं क्या लेना है, मेरा लॉ सीधा था, लॉ गेट तब ओपन होगा अगर इनकम इंडिया में 15 लाख से ज्यादा है, एंड तो इंडिया आएगा कितने दिनों के लिए 120 और मोर, और पिछले तो मैं करा ही लूंगा तेरे 365, जब तू हर साल 120 आएगा तो 365 और मोर तो नहीं करेगा। अब लोग सोचते हैं हमें इतना स्टेटस का चक्कर ही क्यों है, मैं कई बार कहता हूं जैसे आपने सुना होगा कि हिमाचल में प्रॉपर्टी लेनी बड़ी मुश्किल है हमारे लिए, सुना वैसे, उसका रीजन उनके राइट्स रिजर्व्ड हैं, अगर ऐसा ना हो तब तो तक हम लोग हिमाचल में बैठे थे, सबके शिमला घर होते तो लोग, पैसे की कमी थोड़ी है, अभी जो बिल्डर्स वहां चले गए फ्लैट चले गए अब लोग उसके बहाने थोड़ी चीज परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज पहला राइट हिमाचली का है, अगर उनको ही नहीं रहने के लिए जगह मिलेगी आप तो आ जाएंगे पहाड़ का व्यू देखने के लिए वहां बैठ जाएंगे, उनको वहां पे रहना पड़ा स्ट्रगल करे चीजें बनी आपको अच्छी लग रही आपने परिचय कर ली, वो कहाँ जाएंगे बेचारे, अब जितनी कसौली जितनी बड़ी जगह इन्वेस्टमेंट हो रही है सारे कौन है दिल्ली वाले बड़े बड़े लैंडलॉर्ड अमीर लोग हैं, उनके लिए 5 करोड़ है कुछ नहीं, उनको आज कह दो ये प्लॉट बिक रहा है पहाड़ बिक रहा है 10 करोड़ का ले लो शाम को यहाँ होटल बनाएंगे, वो 1 मिनट से पहले तैयार है, अपने को सोचना पड़ेगा, कारण अपना यहाँ पे राइट है इंडिया में, अगर मैं कल को इंडिया का नहीं हूं मुझे फॉरन से आगे इंडिया में भी लैंड परचेज करनी पड़ती है, सो मैनी फॉर्मेलिटीज आर देयर, आसान नहीं है जैसे आप कैनेडा जाके जमीन परचेज करें आसान नहीं है आपके लिए, ये तो चलो फॉरन कंट्रीज ने हमारे लिए प्रपोजल खोल रखे हैं, क्यों कैनेडा इंडिया से 7 गुना बड़ा है, वो कहते हैं जहाज के अंदर के ऊपर बैठ के आ जाओ कोई दिक्कत थोड़ी, ट्रालियां वालों पीछे ट्रक लगा दो आ जाओ जितने मर्जी आ जाओ, क्यों बर्फ साफ करो रही जाओ, बर्फ ही गिरती है जंगली जंगल है काटी जाओ बैठी जाओ, उन्होंने उधर ही रहोगे फॉरन रहोगे वहीं खाना खाओगे वहीं कमाओगे वहीं उड़ा दोगे हमारे पास ही रहेगी,
एक एक बंदे का तो हिंदुस्तान को नुकसान है, जितना फॉरेन जा रहा है नुकसान की बात करें, अब यहां रहते हैं नुकसान क्या, इंडियन इकोनॉमी का। अब मैं यहां कमाता हूँ यहीं खर्च करता हूँ, इंडिया भी रहेगा कौन सा फॉरेन खर्च करता हूँ, पेट्रोल यहीं से लाता हूँ, कार इंडिया से लेता हूँ, जीएसटी गवर्नमेंट को देता हूँ, आपको बढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी इधर देता हूँ, वहां दे देना अपने। अब जो बच्चा वहां चला गया वहीं रहेगा, वहीं जॉब करेगा, वही किराया दे रहा है उनके लोगों को, उनको तो इनकम बन गई, बैठे बैठे कमाओ, लेबर आ रही है लेबर काम कर रही है, अपने कोई दिक्कत है? मतलब बर्फी तो पड़ती है, साफ करी जो रही जो, इतने दिन फुट बर्फ पड़ जाती है फिर साफ करो फिर ले लो, उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं, वो बड़े ही बहुत है, बड़े बहुत है, उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं पॉपुलेशन वाइज, तो उसमें बड़े तरीके उनको तो कहते हैं बल्कि बिजनेस आ रहा है आने दो, उनकी यूनिवर्सिटी चल पड़ी, वहां के लोग तो पढ़ते नहीं साले, अपा 50 50 30 30 लाख रुपए एक एक बंदा उनको पैसे दे रहा है, उनके तो कॉलेज चल पड़े से, अपने कई पंजाबी लड़कों ने तो वहां जाकर कॉलेज ठेके पे ले लिए, कंट्रैक्ट पे ले लिए। मेरे कई फ्रेंड्स हैं, उनका फोन आया कि हमने ऑडिट करवाना है, क्या तू क्या काम करता है, कहते कॉलेज ठेके पे लिया उसने। तो जितने पंजाबी स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, मैं कहूँ जी या मैं पंजाबी हूँ गोयल पढ़ा रहा हूँ तो गोयल है बंदा बनी है, या पंजाबी है इससे पढ़ लेते हैं, कोई और कम्युनिटी का पढ़ाएगा सोचता है बंदा पढ़ा तो है, अब वहां पे गोरे का कॉलेज हो उसकी अपनी फॉर्मेलिटीज अपनी कंडीशंस, ये फलाना अपने पंजाबी कॉलेज में पता साला तो क्या काम करना है यहाँ पे, तो ना काम कर कोई नहीं अटेंडेंस तेरी हो जाएगी, कॉलेज तो अपनी डिग्री तो अपन भी दे रहे हैं वो ठेके पे, टीचर रेंटेड है सारी फीस आनी है, अपने टाई अप हो गए तो बहुत अच्छे पैर उन्होंने फंसा लिए, बड़े अच्छे लेवल पर चले गए, मैं सोच रही वहां जाके कॉलेज ठेके पे ले लिया, पढ़ाई भी ठेके पे करा रहे हैं वो, मतलब तगड़े बंदे हो गए। रीजन तो उनको वहां पे अब सिस्टम बिजनेस प्रपोजल है, 4 करोड़ दो वो पीआर ले लो, 10 करोड़ दो पूरी फैमिली की पीआर ले लो, यहाँ पे पेट्रोल पंप ले लो बिजनेस ले लो, अब पीआर दे देंगे क्यों, अपने बिजनेस यहाँ पे ला रहे हो आप, बिजनेस लाना छोटी बात है यार, हमारे लोग तो पैसा खर्चते हैं उनको पता है हमारे लोगों ने तो काम करना नहीं, तो सेम इस चीज को लेके मैंने गेटवे तो ओपन किया, बट स्पेशल क्या कि इफ इनकम इज मोर देन 15 लाख देन 60 की जगह 120 करूंगा, और आपसे एक शर्त रखवाई, किस बात की, आप इससे मेरे क्या बन जाएंगे जल्दी बोलना, बट मैं आपके ऊपर कभी भी अगली कंडीशन चेक नहीं करूंगा, मतलब आप सदा के लिए, इमर जी आप सदा के लिए मेरे क्या रहोगे, आर बट एन ओ आर, आर बट एन ओ आर, ये आपसे लिखती करवाया 3 चीजें, दोबारा इनकम 15 लाख से ज्यादा आप हमेशा आर तो बन जाएंगे बट क्या रहेंगे एन ओ आर, क्लियर, और रास्ता 60 की जगह कितने हो जाएंगे 120, अगर तीनों कंडीशनें मानता है, तीनों में एंड है, देखो भाई एक भी कंडीशन तोड़ोगे कि मैं 15 लाख नहीं है तो बाहर, 120 दिन नहीं है तो बाहर, तीनों है, अगर तीनों करोगे तू मेरा नागरिक तो बना लूंगा तुझे मैं, बट कभी भी ओ आर नहीं पूछूंगा, ओडिशनल नहीं पूछूंगा, 10 साल में नो वाला वो नहीं पूछूंगा, पर तू सदा मेरे लिए क्या रहेगा एन ओ आर, सिंपल। अभी अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम का कैलकुलेट करने का सीएमए क्वेश्चन आता है, हमें आता नहीं है पेपर बीकॉम में, तो बस बता देते हैं कि अदर देन फॉरेन सोर्स मतलब इंडिया में एफडी है, इंडिया में रेंटल इनकम आती है, ब्याज आता है और क्या होता है, सिंपल इनकम्स है ये चीज है, हाँ प्रॉपर्टी भी हो रेंटल हो, इनकम तो है ना इनकम, प्रॉपर्टी होना नहीं, इनकम प्रॉपर्टी होना नहीं, तो इसमें पॉइंट सेम फॉरेन लोग हमारे यहाँ पे आके होटल खरीद लेते हैं और फिर वो ऐसे इनकम जनरेट करते हैं, तो इंडिया टैक्स लेता है, नहीं इंग्लैंड टैक्स लेता है, उनके लिए नहीं उनके लिए नहीं, कंडीशन वो उनका लॉ बताएगा, उधर के लोग इधर आए ना, अपने लोग इधर जाए अपने लिए, और यहां पे एक वर्ड था पर्सन ऑफ, क्या वर्ड था, इंडियन ओरिजिन, जो मैं बोल रहा था इंडियन सिटीजन कोई भी है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब मेरी सुन लो पहले, जिनका जन्म, जिसके असेसी का जन्म बॉर्न, उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म कहाँ हुआ है इंडिया, वो तो ही खींच रहेगी, समझे नहीं, जितने कनाडा बैठे उनको मजा तो पंजाब आ गया आता है, देखिए फॉर्च्यूनर टेंट है कि वहां चाहे सारे जो मर्जी करें यहाँ तो फॉर्च्यूनर है भाई, वही तो है, खींच तो रहेगी अपने, याद नहीं रहेगा मैं जितना मर्जी यहाँ पे रह लूँ, टाउन तो अपना याद आएगा ही, हाँ सुमाना टाउन है पटियाला टाउन है, वहां जाना है गाँव जाना है वो तो रहती ही है, या बच्चों को तो ये सुनाएंगे याद कराएंगे कि हाँ यार वहां थे अपा वहां से हैं, चल तुझे गाँव दिखा के ले जाऊँ, अपना पुराना घर दिखा के ले जाऊँ, कोई तो टच रहेगा ही ना, जैसे भी कहते हैं कि हम समाना में हैं तो अपने जैसे लोग पटियाला गए, चंडीगढ़ पढ़ने आए तो पूछते हैं हाँ तू पटियाला से, अच्छा लिंक बन जाते हो, अब दिल्ली जाते हो
फिर भी लिंक इंडिया में तो बैठे, तो पंजाब से, वो पंजाबी बोलते हैं। हम मेट्रो में आ रहे होते थे, पेपर देने जाते थे, आपस में लग रहे हैं चुटकुले सुनाने, धार धार हाँ मुक्के मार रहे हैं आपस में, और दूर से खड़े होते दो तीन बंदे और भी, तो पंजाब से, हाँ मैं भी पंजाब से, पता हो जाता कि इनके हालात क्या इनके। अगर जब आप फॉरन चले जाएं तो वहां तो इंडिया ही कहेंगे, वहां थोड़ा पंजाब ऐसे बना कहूंगा या चंडीगढ़ कहूंगा, वहां तो भाई तो इंडियन है, इंडियन। तो ये चीज वहां पे रिंग रहते ही रहता है, आपका जन्म, पेरेंट्स का जन्म या ग्रैंड पेरेंट्स का, इवन दो इन अनडिवाइडेड इंडिया, लाहौर, पेशावर, कराची, एनी एल्स, क्योंकि वहां के लोग किसी टाइम, अगर ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म, सोचो ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म वहां हुआ हो, उसके बाद वो आफ्टर 20, 30, 40 ईयर, 1960 आफ्टर डिवाइडेशन 70 फॉरेन चले गए, या नहीं भी गए, यहीं थे, आपके फादर का जन्म भी यहीं हुआ, वो चले गए 2001 समथिंग में बाहर, पर आपका जन्म बाहर हुआ, पर लिंक तो रहेगा, तो फादर तो आपके साथ ही है, वो तो याद बताते होंगे पंजाब में ये था, इंडिया में ये था। हम इंडिया जा करते हैं, आज बैठे भेजेंगे जी वहां पे चीज सस्ती है, इंडिया में ये है, इंडिया से ही कंपेरिजन होता है, फिर पंजाब से भी नहीं, सिटी से भी नहीं, कि इंडिया ठीक है, वही चीज यहां पे आता है। पर इन लोगों के लिए ही सरकार ने बस रिलैक्स किया और कुछ नहीं करा, और इसके बाद सरकार एक लास्ट सेक्शन लेकर आई, मैं भी नाम लूंगा जस्ट उसका, उसका नाम है जी डीम्ड रेजिडेंट। क्या सेक्शन है डीम्ड, ये लास्ट है बस, जो मेरे पहले दो पेज के अंदर रखा है, रीड मैं अगले क्लास में करा पाऊंगा। डीम्ड ये आया जी उन लोगों के लिए जो रहते हैं राइट नाउ दुबई, जो इस टाइम दुबई बैठे हैं, जो किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री में क्या नहीं दे रहे टैक्स, और वो एक ही कंट्री है दुबई, जहां इनकम टैक्स नहीं, जहां इनकम टैक्स नहीं है इंडिया के, तो इनको कहा गया इनका ड्यू टू डोमिसाइल, ड्यू टू रेजिडेंस, ड्यू टू एनी रीजन, ये ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां कोई टैक्स नहीं लगता और इधर साले आते नहीं, तो क्या टैक्सेबल। आप कहते हैं इंडिया रहता है बच्चे, आप कह रहे हैं इंडिया ही नहीं आता, आपने ये कब कहा कि इंडिया नहीं रहता, मैं कह रहा हूँ इंडिया रहता ही नहीं, वो रहती कहाँ है दुबई, ये पढ़ाऊंगा आपको लाइन, दुबई ही रहते हैं जी, दुबई ही पैसा कमाते हैं, प्रॉपर्टी इंडिया में है, केरला के लोग, ये उन लोगों को लेके आए, गुजरात के लोग, सब चले जाओ केरला गुजरात दुबई बैठे, दुकानें खोल के केरला वालों की गोल्ड की है, गुजरात का बिजनेस है सारा, इनका प्रॉपर्टी काम है, है रेंट पे दे रखी है, मतलब तभी बुलाया जी उनको, अगर इनकम आ रही है तो अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं आती। वही तो मैं कह रहा हूं, तभी तो उनको बुलाया, तभी तो वो फॉरेन कंट्री में टैक्स क्यों नहीं देते थे, दुबई माफ कर देता है, इंडिया तो उन लोग आते नहीं, टैक्स तो बंदे से लेंगे, बंदा तो आए, आप कहते जी 120 दिन 60 दिन, मैं कह रहा हूँ एक दिन नहीं आते यार, वो एक दिन नहीं आते, आएंगे भी क्यों यार, दुबई बैठे हैं सेटल है, इधर पैसे को वहां से पैसे कमा कमा के इंडिया में मॉल ले जाते हैं, शोरूम ले जा रहे हैं, यहाँ से रेंट भी ले जाते हैं, तो भाई चेक उनके अकाउंट में जाता है, इंडियन सरकार को क्या मिल रहा है, तभी उन्हें वर्ड नहीं पढ़ा मैंने क्या लिखा के, हम मान लेंगे आपको अपना रेजिडेंट, कहता तू मुझे अपना माना मान, मैं तुझे अपना मान लिया, इस तरह है ना कि मैंने तुझे बना लिया डीम्ड रेजिडेंट, बट इसमें भी सरकार कहती ऐसी नहीं तुझे अपना लेंगे, कंडीशन है, पहली कंडीशन फिर वही इफ ओ एफ एस आई मोर देन, ऐसी थोड़ा हर बंदे को पकड़ के अपना बना लेंगे, जिसकी मोर देन ओ एफ एस आई कितनी होगी, सेम 15 लाख, वो सेम रखा हमने, अमेंडमेंट करी तो बार बार चेंज नहीं करा, इफ ओ एफ एस आई मोर देन कितना किया 15 लाख, ये हमने सेम किया, एंड इस बंदे को भी आर तो बनाएंगे बट सदा के लिए हमारा क्या रहेगा, ये एनओआर, डिटो सेम रखा मैंने, बार बार चेंज नहीं करा, पर इसके ऊपर हमने डेज की कोई कंडीशन नहीं लगाई, वो आता ही नहीं, लगाना क्या, मैं उसको कह रहा हूं तो 20 दिन भी आ जाओ, कहता मैं तो वैसे ही नहीं आता, मैं तो आता ही नहीं, तो मैं तेरे ऊपर डेज की कंडीशन, तो सर सरकार सिर्फ हाँ टैक्स जी टू इंडिया इनकम पे ले रही है आपकी बात हाँ जी हाँ से। जी, इंडिया पे, इंडिया पे इस बंदे से स्पेशल, इससे बाहर वाले थे जो दूसरे थे पहले वाले, उससे सब इनकम पे लेंगे, नहीं जैसे हाँ तो रहता है सब रहता है, जो रेंट आता है सिर्फ वो इंडियन बच्चे, पचास सिर्फ इंडियन, सिर्फ इंडियन, सिर्फ इंडियन, वो आपकी बात ठीक है, क्योंकि दुबई पे तो टैक्स ही नहीं ना उस कंट्री पे, मैं क्यों बोलूंगा, पर आपका जो केस था पहले वाले में, मैं रहता यहाँ पे हूँ तो मैं कहीं भी पैसा कमाऊंगा, हिंदुस्तान सरकार को टैक्स दूंगा, ये समझो, ये तो रहते ही नहीं ना इंडिया, आते ही नहीं, हम धक्के से बना रहे हैं, कारण वो कंट्री भी नहीं बनाती, और सुन दुबई में पीआर ही नहीं मिलती, दुबई में पीआर ही नहीं है, तुम आए कहाँ के,
बीच में अमित शाह ने जो एक्ट बनाया था CAA एक्ट, बड़ा मुद्दा उठा था। गलत तो नहीं है, आप जिस कंट्री के हैं उस कंट्री में रहिए, इधर जो मुस्लिम्स रहते हैं कोई गलत थोड़ा का है। अपना आधार कार्ड बनवाओ साला, चेंज करो। पाकिस्तान जाने की इच्छा क्यों रखते हो? उनके आज भी मन में है कि मौका मिले पाकिस्तान जाए, रहो फिर इंडिया में, प्यार करते हो फिर जाते क्यों नहीं? बनाओ अपने प्रूफ। उनके आज भी मन में कि लाहौर जाना है। बांग्लादेशी कुछ यहाँ रहते हैं तो बड़ा हुआ नहीं मुद्दा, कई वेस्ट बंगाली और भी कई लोग रहते हैं, कितने कंट्री के लोग आके रहना शुरू करते हैं, इतना बड़ा क्राउडेड शहर है। उन्होंने कहा कि आपके पास एक प्रूफ हो, या तो आप इधर के हो जो, या ये क्या मतलब है उधर के भी रखे हुए और इधर के भी, हमें एक तरफ तो कर दो ना यार। दुबई तो खड़ा ही टूरिस्ट पे है, उसने साफ कह दिया मैं किसी को पीआर नहीं दूंगा, वहां शेख राज है या पई है, तुम आओ या काम करो हमारे लिए, काम करो पैसा कमाओ और चले जाओ, खत्म। कोई और जनरेशन आएगी वो आएगी काम चली जाएगी, हमने पीआर देना ही नहीं, मॉडल ही और है उनका कंसेप्ट मॉडल। अब हमारे कई सीए भाई बहन दोस्त है मेरे, वो गए हुए हैं वहां पे वैट है, इनकम टैक्स तो नहीं है वहां पे, वैट है, जीएसटी भी नहीं है 5%, तो वहां पे अकाउंटिंग के लिए सीए चाहिए उनको, गए हुए हैं अपने दोस्त, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, अच्छी फॉर्म्स हैं इधर, 20-20 लाख रुपए, यहाँ पे आम 10 लाख मिलता है, वहां 25-25 लाख रुपए। और शहर तो स्टेट सिटी तो कंट्री तो जानती हो, ऑब्वियसली अच्छी है, वहां से पैसे कमा कमा के सेविंग कर करके पार्ट टाइम और काम करके यहाँ पे भेज रहे हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टी जनरेट कर रहे हैं। कोई पता है, रहना तो वहां ही नहीं, कितने टाइम नौकरी कर लेंगे, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल, जब तक बैठे हैं उसके बाद तो डिपोर्ट कर देंगे वो काका चल बात, कारण पीआर तो वहां है ही नहीं, पीआर नहीं है वहां किसी की। तो इस चीज को देखते हुए सरकार ने इनके लिए भी एक लॉ बना दिया, बट लॉ सेम रखा हमने 15 लाख वाला। ऐसे नहीं मैं हर बंदे को अपना रहा हूं, नहीं हर बंदे को नहीं अपना रहा, सिर्फ उस बंदे को जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है। अब अच्छा ये कहता है आज तो 5-6 लाख इंडियन इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, अगर कोई लैंड खरीदना है फिर तो बैंक नहीं का नहीं फिर कोई है नहीं, अब करते तो है वो, पर लैंड ले लेके रखी जाएंगी अल्टीमेट, आपको पता है उस पर रेंट भी तो जनरेट करना पड़ेगा, नहीं तो लेके रखी रहो वहां कोई दिक्कत नहीं, नो इशू एट ऑल। दुबई में आप काम करो पैसे कमाओ, इंडिया में जमीन ले जाओ, नो कोई दिक्कत नहीं, बट आप इंडिया में जमीन लोगे हमें टैक्स वैसे ही मिल जाएगा बच्चे, कैपिटल गेन स्टैंप ड्यूटी उसकी फॉर्म में मिल जाएगा और कुछ नहीं। हाँ जी अगर बंदा वापस भी रहे वापस भी और यहाँ पे इनका काम उसके साथ हाँ, काटो फिर कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं, हाँ फिर तो किधर एजेंट भी रहेगा बताओ ना फिर है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ, पर हम भी आपको देश का नागरिक थोड़ा बना रहे हैं वो आप ना, आता है अब आपको धक्के से लेके नहीं आए, भूल गए आज जो यहाँ पे हुआ था केस अपना, ये डॉक्टरी करने कहाँ जाते हैं? यूक्रेन नहीं, कौन सा फॉरेन कंट्री ऐसा कुछ यार, यूक्रेन, इधर यूक्रेन कितना वहां क्लेश हुआ, अगर आप इंडिया के ना होते हो तो रो रो के बुलाए कि ले जा जहाज के ऊपर उठा के ले जा पकड़ लेंगे उसको, अब घर वाले भी रोए रोए कि फिर भेजा क्यों था, अब याद आ गई इंडिया की क्यों, अब वहां हो रहे दंगे, बांग्लादेशी हाथ जोड़ रहे हैं प्रभु ले जा इस जन्म में, मैं कहा गए क्यों थे, नहीं ले जा बस, अब वो अपने आप आएंगे, कह रहे हो हमें तो बात छोटी लगती है, किसी देश का नागरिक होना यार बहुत बड़ी सपोर्ट है। अगर देख एक रेजिडेंट भी फंसा हमारा वहां पे, भाजी पूरे देश की जिम्मेवारी है कि साला एक इंडियन वहां बैठा, कितना कोरोना में भाजी, इंडिया में कोरोना होना नहीं था, जहाज भर भर के कोरोना इधर गए, क्या जरूरत थी क्या नहीं, साला को मरने दो, इंडिया छोड़ के गए ना गाली दे गए थे, रखो वहां तो एक बंदा बुलाया हमने कोरोना लेकर आए, वो इंडिया में कोरोना कहाँ था, जितने लोग फॉरन गए जो टूर पे जा रहे हैं डिफरेंट चीज है, जो वहां बैठे हैं वो मरे हैं जी, इटली बुरा हाल नहीं हुआ, अमेरिका बुरा हाल हो गया वहां पे, उनको धक्के से यहाँ लाए क्वारंटीन करा 15 दिन 14 दिन रखा, क्यों रखा जी, हमारी जिम्मेवारी थी तभी करा, वरना में क्या जरूरत थी, देश के नागरिक थे वो। और 1 मिनट से पहले कहता हम देश का नागरिक है, अच्छा सुनना पड़ेगा, ना होते हम बुलाते भी ना, ये पॉइंट इसलिए समझा रहा है, मतलब पॉइंट छोटा नहीं होता, हम इनकम पॉइंट सोचे कि 6-7 लाख इनकम है तो टैक्स नहीं देंगे, गवर्नमेंट कहती फिर है भी क्या 7 लाख, तो रह वहां हमें मतलब है, जब मरेगा तो अपने आप आएगा, जब पता चलेगा फिर तू आप आएगा, मैं इंडिया का नागरिक बनना चाहता हूँ, फिर हम बिठाएंगे तुझे टेबल पे, हाँ फिर तुझे बताएंगे नागरिक कैसे बनते हैं, फिर टैक्स सारे तेरे पिछला है सारा सारा हिसाब कर देंगे, तू क्या पैसे लेता क्या नहीं, मैं कहता हूँ छोटी नहीं सोच है, बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे, तभी तो अमेंडमेंट लेकर आए डीम्ड, और दुबई वालों के लिए लेकर आए, और तो कंट्री तो पीआर दे रही है तो आप चले जाओ फिर यहाँ के छोड़ दो, तभी सिटीजनशिप आपको एक मिलती है, दो नहीं मिलती, अगर आप फॉरन की सिटीजनशिप लेंगे ग्रीन कार्ड जो बोलते हैं यहाँ का छोड़ना पड़ेगा, तो लोग सोच समझ के चलते हैं क्या करना है। मेरे जीजू हैं वो गए वहां से वीजा लगवा के इंडिया आते, वो ग्रीन कार्ड उनका उधर का, उधर के सिटीजन है लेकिन रहते पानीपत है, वो वहां से वीजा लगवा कहते हैं मुझे इंडिया जाने दो, अब आए उल्टा कहते हैं मुझे अमेरिका जाने दो, उल्टा वहां कहते हैं लेटर लिखते हैं प्रॉपर सारा सिस्टम,
क्या सिस्टम है क्या नहीं, वो उनका रूल हो गया। और उधर के नागरिक हैं, उधर के नागरिक हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी है इंडिया में और टैक्स देते हैं, अगर वो पॉइंट में कवर होते हैं उसके उनके लॉ, उनके लॉ, ये पॉइंट है। अब इंडिया का लॉ उन पे नहीं लगता, अब इंडिया का लॉ उन पे नहीं लगता, वो खत्म है। चलिए जी, और भी डाउट सर क्लियर है? नेक्स्ट क्लास इस पीडीएफ को संभाल के रखिएगा, वरना मैं आपको ये फोल्डर में देता हूँ, खत्म थे आजकल, तो वो मंगवा के ये अपने पास संभाल के रखिएगा। मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा इन पीडीएफ फॉर्म, ये अगले क्लास में इसको पढ़ना है, खत्म करना है, और एक क्लास और लगेगी किसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स, स्कोप ऑफ इनकम के ऊपर, देन द चैप्टर इज कंप्लीट। चलिए जी, ओके, थैंक यू, टेक केयर बच्चे, बाय बाय।